बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन जनाब नदीम मलिक साहब को FIA का नोटिस आया है, FIA के भी इंसदाद दहशतगर्दी विंग का, जी हाँ, एंटी टेररिज्म विंग का नोटिस आया है। ये नोटिस क्यों आया है और इस नोटिस का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के केस के साथ, ये बड़ी एक जो समझ लें कि दिलचस्प कहानी है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से सहाफ़ियों को नोटिस आ रहे हैं और किस तरीके से उन्हें हरास करने की भोंडी कोशिश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। दूसरे बात करेंगे जनाब के वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब अल मारूफ वसीम अक्रम प्लस साहब के हेलीकॉप्टर अब टिकटॉक के लिए इस्तेमाल होने लगा है। पहले शादियों पर, फातह खानियों पर, वो तो खैर वैसे ही हो रहा था, अब टिकटॉक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या बात है जनाब, ठीक है, इस पे बात करेंगे ज़रा, किस कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, कहां से कहां इस्तेमाल हुआ, कैसी रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो आ गई है सामने, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ों से पहले ये स्टोरीज़ दोनों ही इंतहाई अहम है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा स्टोरीज़ के इंट्रोडक्शन से भी। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ फिर से, जी आप इसको आप लतीफ़ा कह लें, इसको आप सितम ज़रीफ़ी कह लें, इसको आप साबिर शाकिर साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया जनाब के अमेरिका की तरफ से G7 की तरफ से इमरान खान साहब को और जनरल बाजवा साहब को ऑफ़र हुई है बहुत बड़ी, जो कि पाकिस्तान ने ठुकरा दी है, ठीक है। और वो ऑफ़र कितने की हुई है, वो ऑफ़र हुई है साबिर शाकिर साहब के बकौल, उनके मुताबिक $400 खरब। ये सुने से आपको अपने कानों पे एतबार नहीं आया ना, ठीक है ना, आप सुन लें, 400, उनका थंबनेल देख लें, $400 खरब यानी $400 ट्रिलियन। अब अमेरिका की जो टोटल GDP है वो तकरीबन कोई 22-23 ट्रिलियन है, चाइना की जो GDP है वो 15-16-17 ट्रिलियन। आप सारे G7 को मिला लें वो 300-325 ट्रिलियन, यानी G7 और अमेरिका सारे का सारा अपना बजट, सारे का सारा अपना ख़जाना भी पाकिस्तान को दे दे तो $400 खरब तब भी पूरे नहीं होते। अब क्या करेंगे आप ऐसों का, मैं आपको वही कहता ना, लोग कहते हैं ना कि झूठ के पाँव कहाँ। मैं जल्दी जल्दी आता हूँ जनाब दूसरे स्टोरी में, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा ये सुन के, ठीक है ना, आपको अपने कानों पे एतबार नहीं आ रहा होगा कि $400 खरब की ऑफ़र हुई है अमेरिका और G7 की तरफ से कि आप चीन को छोड़ दें, चीन का रास्ता रोकें, ठीक है ना, चीन का आप CPEC को भी छोड़ दें और सारी चीज़ों को, और $400 खरब की ऑफ़र हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ क्या बात है, माशाल्लाह, क्या सुहाना झूठ है, ठीक है। आप अंदाज़ा कर लें कि जिस बंदे को ये भी नहीं पता, अब मैं क्या कहूँ, उन्हें पता नहीं चलता या उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है। मैं आता हूँ उन दोनों स्टोरीज पर, नदीम मलिक साहब वाली बहुत सीरियस स्टोरी है और जनाब फिर उस्मान बुज़दार वसीम अक्रम प्लस का हेलीकॉप्टर जो टिकटॉकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अब वो उस पर भी आते हैं। लेकिन इससे कबल मैं इसी साबिर शाकिर साहब वाली बात पर, वो जो लतीफ़ा मैंने कहा था, दो दोस्त थे तो एक उनमें से एक दोस्त बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता था, ठीक, और उनको वो दूसरा दोस्त कहता कि यार आप महफिल में बैठ के फलां जगह पे हम बैठे होते हैं, आप बड़े बड़े झूठ बोलते हो, मुझे आपकी जगह शर्म आ रही होती है, तो यार आप खुदा का नाम माने यार, आप इतना झूठ ना बोला करें। तो उस बंदे ने, दूसरे दोस्त ने कहा जो झूठ बोलता था, उसने कहा यार अच्छा आपकी बार अगर मैं किसी महफिल में बैठा हूँ ना और मैं अगर झूठ बोलने लगूँ तो आपने हल्का सा यूँ कर देना है, ठीक है ना, यानी कि यूँ गला साफ़ करना है ना अपना, या खांसना है इस तरह करना है, मुझे पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक, तो मैं कुछ एहतियात बरतूँगा फिर, ये मेरे अपने बस की बात नहीं है, मैं झूठ बोल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा इशारा कर देंगे ना तो फिर मुझे पता चल जाएगा, मैं तब से थोड़ा सा एहतियात करूँगा। आप किसी ऐसी महफिल में आगे बैठे दो चार रोज़ बाद, वही जो झूठा दोस्त था उसने कहा कि मैं कहीं जा रहा था जंगल में, मैंने देखा कि एक 70 गज का शेर आ रहा है। अब वो जो साथ दोस्त बैठा था ना, उसने कहा
अब फिर उसके बाद उस झूठे दोस्त ने कहा कि मैं कुछ आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो 40 गज़ का शेर आ रहा है, वो 70 गज़ नहीं था बल्कि वो 40 गज़ का था। फिर उस दोस्त ने यूँ कहा, फिर उसके बाद उसने कहा मैं कुछ आगे बढ़ा तो फिर मैंने देखा कि वो 20 गज़ का था, ठीक है ना। तो फिर उस दोस्त ने कहा 20 गज़ का भी तो नहीं होता। अब उसमें फिर कहा, फिर उसने कहा मैं जब बिल्कुल शेर के करीब पहुँचा ना तो मैंने जाके शेर के ऊपर फीता रखा, ठीक है ना, नापा उसको, तो मैंने देखा कि वो पूरे 15 गज़ का शेर है। तो फिर उसके दोस्त ने कहा कि उसने जैसे ही उसने दोस्त ने ऊँ किया ना तो वो जो झूठ बोल रहा, उसने कहा छोड़ यार अब तो मैंने फीता रख लिया, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो फीता रख के झूठ बोलते हैं। ये अब इस ना कोई शर्म है ना कोई हया है कोई, छोड़ दीजिए आगे चलते हैं। आप मुझे अब मैं आज यकीन करें ये हंसी नहीं रोक रहा है जब से मैंने सुना है कि 400 खरब डॉलर, ठीक है ना, 400 ट्रिलियन डॉलर की ऑफर आई है, क्या बात है, हमने ठुकरा दिए भाई। वो खुशामद की भी कोई हद होती है यार, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आगे चलें कि नदीम मलिक साहब को FIA का नोटिस आ गया और FIA के भी इंसदाद दहशतगर्दी विंग का आया है, 6 जुलाई को आप पेश हों और वो सारे का सारा मवाद भी ले आएँ, सारे के सारी चीज़ें ले आएँ। हमें आपका एक प्रोग्राम हुआ था 28 अप्रैल को, उसमें आपने कुछ बातें की, उससे मुतालिक कुछ तफ्तीश करनी है और हमने उस तफ्तीश को आगे बढ़ाना है, आपसे मालूमात दरकार हैं, आपके तामन का शुक्रिया, ठीक। अच्छा अब क्या बातें की थी नदीम मलिक साहब ने, नदीम मलिक साहब ने कहा कि अरशद मलिक साहब जो जज अला बख्श फौत हो गए, वो उनकी जब कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना FIA वाले, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था, उन्होंने कुछ मुझे बड़ी अहम बातें बताई थी और उन्होंने ज़ाहिर नदीम मलिक साहब ने इशारा भी किया, उन्होंने कहा कि वही, उन्होंने कहा कि मैं सारी बात तो नहीं बता सकता यहाँ पर, ज़ाहिर कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे तो वो खान साहब कहते हैं ना बरतानिया से भी ज़्यादा मीडिया आज़ाद है, तो यही आज़ाद है, ठीक है ना। उन्होंने कहा मैं सारी बात तो नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ बहुत बड़ों के नाम आते हैं और वो बार बार कहते रहे कि जी आपको पता है कि किन के, कंट्रोल टावर की तरफ इशारा था। तो कहा नदीम मलिक साहब ने कि FIA वालों ने मुझे बताया और फिर उसके बाद वो कुछ बहुत ही कंट्रोल टावर के दो बड़ों के भी नाम आते हैं, तो कहते हैं कि जनाब के वो उसमें नदीम मलिक साहब का वो प्रोग्राम देखा जा सकता है। वो कहते हैं कि जनाब के भाई जो है ना, उस दौरान जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था अरशद मलिक साहब के साथ, तो फिर उस वक़्त ना वो ऐन मुमकिन था चूँकि उधर से भी रबते थे तो उनको बेल दे देते, ठीक। अच्छा, और या उनको रिलीफ प्रोवाइड कर देते क्योंकि केस में कोई जान थी नहीं, वो बाद में अपनी वीडियो में भी बता चुके। तो जब वो अरशद मलिक साहब, पहले तो उनको एवन फील्ड में हो चुकी थी ना सज़ा जज बशीर अहमद से, फिर उसके बाद अरशद मलिक साहब के पास केस आया, फिर इस तरीके से। अच्छा चलें, तो कहते हैं कि भाई अरशद मलिक साहब उनको बिल्कुल रिलीफ देने लगे थे। अरशद मलिक साहब को कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे एक दफ्तर में बुलाया गया, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, और उस दफ्तर में बुला के कहा गया कि जी आप एक कमरे में उनको बिठाया और कहा कि जी ये आप जो है ना यहाँ पर आप अपनी ज़रा ये देख लें, वीडियो देख लें, ठीक। तो खैर उन्होंने वीडियो देखी और अरशद मलिक साहब ने अपनी उस वीडियो में भी कहा कि जो वीडियो नासिर भट्ट साहब ने रिकॉर्ड की, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी एक 30 साल पुरानी वीडियो इन्होंने मेरे सामने चला दी और ज़ाहिर है वो काबिल एतराज़ वीडियो थी, ठीक है ना। और वो वीडियो, और फिर उसके बाद आके कहा कि परेशान ना हो, आपने अगर, अब आप पे अपना ही फैसला है आपका कि आपने अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में देना है तो फिर दे दें, फिर ये वीडियो वायरल हो जाएगी। अब उस बेचारे ने, उस हैरान परेशान हो गया, उसने कहा यार अगर मैं फैसला अब नवाज शरीफ के हक में देता हूँ तो ये मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। अच्छा, नदीम मलिक साहब कहते हैं कि उससे आनवर्ड के नवाज शरीफ के तो उन्होंने अगेंस्ट फैसला दे दिया, फिर उसके बाद जनाब वो लगा माफ़ियाँ तलाफियाँ करने, वो फिर नासिर भट्ट साहब की वीडियो आ गई, फिर वही रायवंड गया माफ़ी तलाफी करने के लिए, वहाँ भी उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, वहाँ पे फिर सऊदीया गया, फिर वहाँ भी वीडियो रिकॉर्ड हुई, फिर जब रायवंड गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं क्या करता, मेरी इस तरह से एक 30 साल पुरानी जो है ना वीडियो वो हमारे पास थी, ठीक है ना, उनके पास थी, और वो ज़ाहिर उनका इशारा कंट्रोल टावर की तरफ था
और वो कहते हैं कि 30 साल पुरानी वीडियो थी और वो मुझे दिखाई और मुझे ब्लैकमेल किया और आपके खिलाफ फैसला ले लिया। ये है अदालती आज़ादी, क्या बात है, ठीक है ना। तो फिर वो आगे से उनको भाई बताया गया कि भाई वो वीडियो तो हमारे पास भी थी, ठीक है ना, लेकिन हमने नहीं दिखाई, वो वीडियो तो हमारे पास भी है। लेकिन अब बात ये है कि अब ये इस स्टेटमेंट पर, इस बयान पर नदीम मलिक साहब को नोटिस आ गया है, ठीक। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से एक हरासमेंट होती है, किस तरीके से। और जज अरशद मलिक साहब को तो वीडियो दिखाई, जज बशीर अहमद साहब का जो जिन्होंने पहले फ़ैसला सुनाया और नवाज शरीफ साहब को सजा दी, और माशाल्लाह उस फैसले में लिखा हुआ है मालशिया पालशिया एफ ए फेल, मैट्रिक फेल, मिडल फेल, तो बैठ के ऐवें ही चूँ चूँ करना शुरू हो जाते हैं ना, पढ़ते मुड़ते तो कुछ है नहीं, ठीक होंगे ना। उस फैसले में लिखा हुआ है, बशीर अहमद साहब वाले फैसले में, कि नवाज शरीफ पर किसी किस्म की कोई करप्शन नैब साबित नहीं कर सका। ये उस फैसले को आप पढ़ लें ज़रा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो है ना, वो अब उस बशीर अहमद साहब के पिछले दरवाज़े से जो नामालूम अफराद घुसते रहे और उन नामालूम अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया था, हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने। अब ये है फैसलों के लेने की का तरीका, इस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। इससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के फैसले का जस्टिस नसीम हसन शाह ने सारा चटा खटा खोला था कि क्या क्या हिसाब किताब है, कि किस तरीके से किसने हमें प्रेशराइज़ किया। वो अपनी किताब में भी लिख चुके हैं और एक दो टीवी इंटरव्यूज़ में भी बता चुके हैं, वो इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जी किस तरीके से कैसे हम पर प्रेशर दिया गया और दबाव दिया गया और कैसे हमें प्रेशराइज़ किया गया कि हमने जो है ना जुल्फ़कार अली भुट्टो के अगेंस्ट फैसला सुनाया। तो ये हालात हैं अदालतों के, ये हालात हैं मेरिट के, ये हालात हैं सज़ाओं के देने के। मतलब आप अगर कोई ऐसा होना पावरफुल फिगर कि जिसे पाकिस्तान में कोई खौफ ना हो कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो एक ज़ात वो है ना ऊपर, वो तो बिगाड़ सकती है ना। और फिर जब 4 फुट को नीचे जाएगा तो तब भी एक सवाल जवाब होगा और उसके बाद लोगों को उसका खौफ भी ख़त्म हो गया है कि जिस तरीके से आप एक इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए जज को जिस तरीके से आप प्रेशराइज़ करके फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से उनको, और फिर उसके बाद अब आगे छोड़ें, आ जाएं जनाब उस्मान बुज़दार साहब अल मारूफ वसीम अकरम प्लस साहब, ठीक है, उनका हेलीकॉप्टर अब टिकटॉक के लिए इस्तेमाल होने लगा है। माशाल्लाह क्या बात है। पहले तो अच्छा, पहले मुझे याद है कि खान साहब और बाकी तहरीक इंसाफ के दोस्त कहा करते थे कि जनाब देखें वो हेलीकॉप्टर जो है ना वो नाश्ता लेने के लिए फलां जगह जाया करता था नवाज शरीफ साहब का रायमंड से, ठीक। अच्छा वो रोज़ तो नहीं जाता था, वो कभी कभार जाता होगा अगर, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो प्राइम मिनिस्टर ही कहता होगा। अब आप अंदाज़ा करें कि जिनको कभी कभी को प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के इस वजह से इस्तेमाल के उनके किसी ज़ाती काम से जा रहा है या नाश्ता लेने जा रहा है, पता नहीं गया या नहीं गया या पता नहीं कितनी दफ़ा गया, वो अब कभी तो वो शादी पे जा रहे हैं, कभी उनका कोई वज़ीर इस्तेमाल कर रहा है, कभी वो फातह खानी के लिए जा रहे हैं। अब जनाब ये हुआ कि उनके जो पर्सनल हेलीकॉप्टर के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं हैदर अली साहब, उनके दोस्त, यानी क्या बात है, ठीक है ना, यानी उनके दोस्त और उनके दोस्त, ठीक है, हैदर अली साहब के दोस्त जनाब, कोई नाम लिखा हुआ है मीडिया में, कोई अर्जुमंद चट्ठा साहब हैं, फिर वो कोई उनके और दोस्त, तो वो जनाब उन्होंने टिकटॉक के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। अच्छा अब तो वो कह रहे हैं ना कि जी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, नहीं वो तो सिर्फ वो फोटो ली है हेलीकॉप्टर की, ठीक है, टिकटॉक के लिए। अच्छा और अब वीडियो में नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ा है, वीडियो में ये भी नज़र आ रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ा है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की भी फ़ोटो ली गई हैं और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में वीडियो भी बनाई गई है टिकटॉक की, और लोगों ने ये भी बताया है कि जनाब 15 मिनट में कि पता नहीं कितने मिनट में जो है ना लाहौर से फैसलाबाद भी उन्हें पहुँचाया गया है। ये हालात हैं, ये दो नहीं एक पाकिस्तान के जो नारे होते हैं ना, जब याद कराया जाए, जब इस तरह की बातें याद कराई जाएं, जब इस तरह के पोल खुलने लगें, मैं आम तौर पे कहता हूं कि नवाज शरीफ साहब के या नून लीग के स्कैंडल्स आए पीपल्स पार्टी के दौर में, पीपल्स पार्टी के स्कैंडल्स आए नवाज शरीफ के दौर में, ठीक है ना। अच्छा हो सकता है वो गलत हों या हो सकता है वो ठीक हों, लेकिन बात यह है ना कि वो उनके मुखालिफ जमात के दौर में आए
वो उनके मुखालिफ जमात के दौर में आए। हो सकता है दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई गुस्से में भी बना दिए हों, कोई बुग्ज़ में भी बना दिए हों, कोई इस तरीके से भी हों, कुछ ठीक हों और कुछ को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया गया हो या बना दिया गया हो। ये तारीख की वो वाहिद गवर्नमेंट है, माफ़ कीजिएगा, वाहिद हुकूमत है माशाल्लाह जो अपने आप को रियासत मदीना का दावेदार कहती है। जो कभी अच्छा, वो भी बड़ी एक मज़े की बात है कि कभी रियासत मदीना, कभी चाइना का निज़ाम, कभी ईरान का निज़ाम, कभी किसका, कभी किस, वो तो समझ नहीं आती कि कौन से वो कहना क्या चाह रहे हैं, कभी जमहूरियत तो कभी इस्लाम तो कभी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, इसी हवाले से उनके तो स्कैंडल एक दूसरे के दौर में आते रहे ना। ये वाहिद और पहली हुकूमत है कि जिनके सारे स्कैंडल, अरबों खरबों के स्कैंडल अपने ही दौर में आ गए। ठीक, अब चीनी का अरबों रुपए का स्कैंडल आया, अपने ही दौर में आया। कौन तहकीक करने वाला था? FIA। ठीक, इसी तरीके से जनाब उसमें ये आपको मालूम होगा कि ये नहीं है, खान साहब ने पहले पहले मंगवाया था सारी डिटेल के ज़रा नवाज शरीफ साहब के नाश्ते माश्ते के और ये खर्चे और खाने पीने के वो करें ताकि मैं और तकरीरों में इस तरह से बताऊँ। जब ये पहले उनको जब लेके आए गए और सामने दिखाया गया, ये इस पे मैं स्टोरी भी कर चुका हूँ और इस पे सलीम साफ़ी साहब ने कालम भी लिखा था और इस पे बहुत सारी बातें हुई थी और भी, किसी ने आज तक उसको नेगेट नहीं किया। खान साहब ने वो मंगवाया कि सारी डिटेल लाई जाए कि नवाज़ शरीफ साहब के खर्चे का क्या हुआ, कि कौन सा खर्चा करते थे और किस तरह का नाश्ता करते थे और किस तरह का खाना खाते थे और किस तरह से कितना कौमी ख़जाने को टीका लगाया है। तो पता चला कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ ले आया, उन्होंने कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब तो अपने सारे खाने का और नाश्ते का और सारे का खर्चा अपनी जेब से देते रहे। फिर उसके बाद उस फाइल को चुप करके बंद करके रख दिया गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जो स्कैंडल चीनी का आया, अपना FIA, अपना, ठीक है ना, अपना शेख रशीद साहब के अंडर जो है वो उन्हें अरबों रुपए निकाल दिए, कुछ भी नहीं, किसी का कोई बिगाड़ सका, किसी का थोड़ा बहुत को करने लगे तो उन्हें अपना ग्रुप बना लिया। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम हमारा जो है ना बिगाड़ोगे, हम तुम्हारे इतना ऐसा ऐसी की तैसी करके रख देंगे। वो उधर ही दब गया। FIA ने जाके अदालत में कहा कि हमने इनको गिरफ्तार नहीं करना, मतलूब ही नहीं है इनकी गिरफ्तारी। क्या बात है, माशाल्लाह, ठीक हो गया ना, जंगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी उन्होंने कहा और इनके बेटी की मतलूब ही नहीं है। सुना है कि फिर से उनको नोटिस छोटे से आया है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आटे का अरबों रुपए का स्कैंडल आया, किसके दौर में? अपने दौर में माशाल्लाह। दवाइयों का स्कैंडल आया, अपने दौर में आया, ठीक है ना। वो मास्क जो वज़ीर साहब 2 करोड़ को चाइना को स्मगल कर रहे थे, FIA ने उसकी इंक्वायरी हुई, अपने दौर में आया, ठीक है ना। इसी तरीके से रिंग रोड का स्कैंडल अपने दौर में आया। इसी तरीके से 12 खरब रुपए का जो टीका लगा कोरोना के नाम पे, जो खा पी गए हैं लेके, वो किसके दौर में? वो माशाल्लाह अपने दौर में। अभी रिपोर्ट प्रिंट नहीं होने दे रहे वो अटॉर्नी अपना AGPR की जो रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, AGP की जो रिपोर्ट है, वो पहले AGPR होता था, तो उसकी जो रिपोर्ट है वो प्रिंट नहीं होने दे रहे। ऑडिट हो गया है, ऑडिट में घपले निकल आए खरबों के, तो किसके दौर में? अपने BRT का खैर से स्टे लिया हुआ है, वो घपले किधर से निकले? अपने दौर में निकले। हालत तो ये है कि ये हालात हैं कि खान साहब ने अपना ही कमीशन बनाया था कि आप ये जो कर्जे लिए गए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, ये ज़रा बताया जाए कितने वो खा गए हैं। उन्होंने अपने ही कमीशन बनाए हुए, जो खान साहब ने कमीशन बनाया था, उसी कमीशन बनाए ने रिपोर्ट दी कि जनाब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सारा सही लगाया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, बड़ा बड़ा सारा कुछ सही लगा। मैं आम तौर पे कहता होता हूँ कि आप यकीन कीजिए कि अगर PTI की गवर्नमेंट ख़त्म होती है और सही एहतसाब होता है, इन सारे स्कैंडल्स को छोड़ दें, एक BRT जो 49 अरब से शुरू हुई और 1 खरब को क्रॉस कर गई, इसी एक में भी पूरी की पूरी PTI जान नहीं छुड़ा सकेगी खान साहब समेत। ये आप याद रख लीजिएगा। शर्त यह है कि मेरिट पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसका क्यों स्टे लिया हुआ है? आप मालम जब्बा को देख लें, बाकी किसान क्यों स्टे लिया हुआ है अपना BRT का? तो वो इसी वजह से लिया हुआ है भाई, अगर कुछ नहीं खाया, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आप स्टे ख़त्म करवाएं और आप कहें कि इन्वेस्टिगेशन करें, FIA इन्वेस्टिगेशन करें और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन करें, और फिर उसके बाद लगा पता जाएगा कितना खा पी गए हैं। बात तो ये है ना, ये इस तरीके से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।